इटावा के थाना पयाच गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 25,000 की इनामिया और थाना जसवंत नगर इटावा से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना पयाच गांव पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जसवंत नगर से मुकदमा संख्या 64/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त नयपुरा तिराहा के पास खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान नए तिराहे पर पहुंचकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम राशिद पुत्र अमरू बंजारा निवासी कस्बा थाना फलावदा जनपद मेरठ बताया गया। साथ ही उसने बताया कि वो थाना जसवंत नगर से मुकदमा संख्या 64/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिस पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। आज थाना पछायगांव द्वारा वर्ष 2018 से जो गैंगस्टर अधिनियम में वांछित और 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जिसका नाम राशिद बंजारा है, उसे आज गिरफ्तार करने में आज सफलता प्राप्त की है। यह अभियुक्त वर्ष 2018 से इटवे फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध NBW 82 और 83 की कार्रवाई जो पहले ही इस पर जो है की जा चुकी थी। इस अभियुक्त पर 2017 में गोवध अधिनियम के अंतर्गत इस पर मुकदमा लिखा गया था, जिसके आधार पर बाद में इस पर गैंगस्टर इस पर पंजीकृत हुआ था और यह 2018 से फरार चल रहा था। और इसकी गिरफ्तारी।